नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदू ग्रंथ महान है, पढ़ने से मिलता है शांति। अमेरिका के स्वर्ण पदक विजेता मिशी ने कहा, हिंदू धर्म सनातन धर्म है। जब से सृष्टि का उद्गम हुआ है तब से धर्म चला आ रहा है। बाकी ईसाई धर्म 2021 और मुस्लिम धर्म करीब 1500 साल पुराना है। बड़ी बात तो ये है कि ईसाई धर्म की स्थापना यीशु ने तथा मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने की थी, लेकिन हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की। अनादि काल से चली आ रही है और हिंदू धर्म में ही भगवान व ऋषि मुनियों के अवतार हुए हैं, किसी अन्य धर्म में नहीं हुए। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब समाज को मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं भगवान ही धरा पर अवतरित होते हैं। सनातन हिंदू धर्म की महिमा समझकर विदेशी लोग भी हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करने लगे हैं। हिंदू धर्म की महानता भले ही भारतीय या हिंदू न समझे, परंतु ऐसे कई विदेशी लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की महानता को न केवल समझा है अपितु अनुभव भी किया है। आपको बता दें कि लंदन ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली करिश्माई तैराक मिशी फैक्रिलिन ने कहा है कि उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है। अमेरिका की 23 वर्षीय तैराक ने पिछले वर्ष दिसंबर में संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। कंधे के दर्द से परेशान इस तैराक ने संन्यास के बाद मनोरंजन के लिए योग करना शुरू किया। हिंदू धर्म के बारे में जानने के बाद उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ। वह जॉर्जिया विश्वविद्यालय में धर्म में पढ़ाई कर रही है। फैक्रिलिन ने लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार में इतर कहा है कि मैं पिछले 1 साल से धर्म की पढ़ाई कर रही हूँ। यह काफ़ी आकर्षक और आंखें खोलने वाला है। मुझे विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में पढ़ना पसंद है। मेरा अपना धर्म ईसाई है, लेकिन मेरी दिलचस्पी हिंदू धर्म में ज़्यादा है। ये ऐसा धर्म है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसके बारे में पढ़ने के बाद लगा कि ये शानदार है। तरीकी में सफल फैक्रिलिन पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी है। वह हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। वह रामायण और महाभारत की ओर आकर्षित है और अपरिचित नामों के बाद भी दोनों महाग्रंथों को पढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे उनके मिथक और कहानियां अविश्वसनीय लगती हैं। उनके भगवान के बारे में जानना भी शानदार है। महाभारत और रामायण पढ़ने का अनुभव कमाल का है। महाभारत में परिवारों के नाम से मैं भ्रमित हो जाती हूँ, लेकिन रामायण में राम और सीता के बारे में जो पढ़ा वह मुझे याद है। स्तोत्र अमर उजाला। पहले भी कई विदेशी विद्वान और अन्य हस्तियाँ हिंदू धर्म की महानता बता चुके हैं और बाद में हिंदू धर्म भी अपना लिया है। हिंदुत्व की एक व्यवस्था है मानवता में महामानव और महामानव से महेश्वर बनने की। यह द्विपाद पशु सादृश उष्खला व्यक्ति को देवता बनाने वाली एक महान परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष केवल इसी संस्कृत के द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता भारत में नहीं मिली है। संसार का सबसे पुराना इतिहास भी यहीं पर उपलब्ध है। हमारे ऋषियों ने उत्खल यूरोप के जंगली पूर्वजों को मनुष्यत्व एवं सामाजिक परिवेश प्रदान कर किया।
इस बात के लाखों ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है। यूनान के प्राचीन इतिहास का दावा है कि भारतवासी वहां जाकर बसे तथा वहां उन्होंने विद्या का खूब प्रचार किया। यूनान के विश्व प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र का मूल भारतीय वेदांत दर्शन ही है। सैमुअल जॉनसन के अनुसार हिंदू लोग धार्मिक, प्रसन्नचित्त, न्यायप्रिय, सत्यभाषी, दयालु, कृतज्ञ, ईश्वर भक्त तथा भावनाशील होते हैं। ये विशेषताएं उन्हें सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली है। हिंदू संस्कृति के प्रति विश्व भर के महान विद्वान की अगाध श्रद्धा का कारण नहीं हो सकता। इस संस्कृति की इस आदर्श आचार संहिता ने समस्त वसुधा को अध्यात्म एवं भौतिक उन्नति से पूर्ण किया, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। विद्वान उल्दू हक्सले बताया है कि हिंदुत्व सदा बहने वाली 12 मासी दर्शन है, जो सभी धर्मों का केंद्र है। डॉक्टर एन बेसेंट ने कहा है कि मैंने 40 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्म का अध्ययन किया करके पाया कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण, महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। जो इस महान हिंदू धर्म को नहीं समझ पाया, वे मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हैं। हिंदू धर्म ही वास्तव में मनुष्य में महेश्वर तक पहुंचा सकती है, जीव को शिव बना सकती है। अतः इसकी महिमा समझे, पालन करें, प्रचार करें और रक्षण करें। तो हिंदू धर्म तो है ही महान। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो है वह लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है, जो ऋषियों मुनियों के पहले से चले आ रही है। तो हमारे धर्म में सनातन धर्म बहुत ही ऊंचा माना गया है। और सनातन धर्म का अध्यात्म करके मैंने एक बुक लिखा है, राइट किया है, उसका रेट मैंने रखा है 200। और जिसको भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं 9302309426। और यह बुक मुझसे प्राप्त कर सकते हैं महावीर नगर से, रायपुर से। तो जिसकी भी इच्छा है सनातन धर्म का अध्यात्म जानने के लिए, तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।